यकीन मानिए अगर आप इन वाक्यों से मिलते जुलते शब्द बोलते हैं तो आप जिंदगी में बहुत कुछ खोने वाले हैं। जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मुझे मैथ्स समझ नहीं आती, मुझे हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं रहती, मैं तेज़ नहीं दौड़ सकता, मैं ये नहीं खेल सकता, मैं ये नहीं कर सकता। क्या आपके जीवन में भी ऐसे वाक्य हैं? अगर आपके जीवन में ये वाक्य हैं तो आपको जितनी जल्दी हो सके इनसे छुटकारा पाना होगा। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि ये शब्द आपकी ज़िंदगी में आए कहाँ से। और आपको ये बात समझाने के लिए मेरे पास एक छोटी सी कहानी है। आप ध्यान से देखिए कि क्या ये विशालकाय हाथी इस लोहे की चेन को नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता है, लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं करता? आप क्या कहेंगे कि यह हाथी समझदार है? लेकिन नहीं, यह सब कंडीशनिंग का जादू है। और हर इंसान खुद को भी हर दिन कंडीशनिंग देता है। कुछ लोग पॉजिटिव कंडीशनिंग देते हैं, कुछ लोग नेगेटिव कंडीशनिंग देते हैं। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसे एक मजबूत लोहे की चेन से बांध दिया जाता है। वह छोटा सा हाथी का बच्चा 3-4 साल तक बहुत कोशिश करता है, बहुत कूदता है, बहुत फांदता है, और धीरे धीरे उसका मस्तिष्क यह मान लेता है कि यह चेन तोड़ना उसके वश में नहीं है। मीन्स उसके ज़िंदगी में एक सबसे बुरा जो शब्द है, जो सेंटेंस है, आई कांट डू इट आ जाता है। और यही हम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है। अगर आपके जीवन में भी आई कांट डू इट आ चुका है तो उसे ध्यान से समझिए कि आपकी कंडीशनिंग ऐसी कैसे हो गई। और हाथी के बारे में हम जबकि जानते हैं कि हाथी जब बड़ा हो जाता है तो वह बड़े बड़े पेड़ उखाड़ लेता है, तो उस चेन की क्या मजाक, वह उसे भी आसानी से तोड़ सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क कितनी उन्नत मशीन है, मीन्स एक सुपर मशीन है। ये आप और मैं दोनों जानते हैं। हम चांद पर भी जा चुके हैं और बहुत और जगह भी जा चुके हैं। हम इंसान सुपर कंप्यूटर भी बना चुके हैं और बहुत तरह की गाड़ियाँ और बहुत तेज़ी से चलने वाली रेल भी बना चुके हैं। तो हम आसानी से सब कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेन एक साइंटिस्ट के पास है वही ब्रेन हमारे पास है। हमें एक हाथी की तरह मरने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि हमें अपने ब्रेन यानी मस्तिष्क को रोज हारने की बजाय जीतने के लिए कंडीशन करना है। मुझे रोज रोज ये बोलने की जगह कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, इसकी जगह हमें अपने ब्रेन को पॉजिटिव कंडीशनिंग देनी है। इसे हम कुछ इस तरह से अपने दिन में कर सकते हैं। हमें अपनी सुबह की शुरुआत इस तरह से करनी है। आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं और उसे रोज सुबह पढ़ना है, जैसे कि मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, मैं अच्छा दौड़ सकता हूँ। अगर आप किसी गेम के बारे में लिखते हैं कि मैं अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं अच्छा पढ़ता हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ, मैं मैथ्स अच्छा कर लेता हूँ, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ। मेरा विश्वास है कि आप धीरे धीरे सफलता की तरफ जाने लगेंगे। आप अपनी नेगेटिव कंडीशनिंग को तोड़ने लगेंगे। और अगर आपने आज तक अपने ब्रेन को नेगेटिव कंडीशन किया भी है और आपको सीखने में प्रॉब्लम होती है, तो आज ही उस कंडीशनिंग को तोड़िए, क्योंकि हम हाथी के नहीं इंसान के बच्चे हैं। हम इस बात को आसानी से जान सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमें आई कांट डू इट इस सेंटेंस को अगर हटाना है अपने जीवन से और सक्सेस की तरफ जाना है, तो हमें अपने ब्रेन को धीरे धीरे कंडीशन करना होगा, उसे मजबूती देनी होगी, और धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी पावर है, हम कितना वर्क कर सकते हैं। अपने एक्स्ट्रा आइडियाज़ को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपना टाइम अच्छे लोगों के साथ, अच्छी बुक्स के साथ बिताइए, और अपने दिमाग में हमेशा उस हाथी का एक चित्र रखिए जो कि एक बचपन से खुद को कंडीशन कर लेता है।